Hello everyone, now the triangles exercise 5.3 question number 4. BE and CF are the two equal altitudes. BE and CF are equal as well as they are the altitude. Altitude matlab height of the triangle ABC using RHS. Here one condition is also given ki aapko RHS congruence rule hi use karna hai. We are having basically the 5 congruency rule. वो फाइव कॉन्ग्रुएंसी रूल में से आपको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में. प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस. आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि वो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हैं. अभी फिगर नहीं दिया है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे. लेट अस सी द ट्रायंगल हियर. अ ट्रायंगल वी हैव टू ड्रॉ विद द नेम ABC. Now in this triangle what it is given, BE and CF are the two equal altitudes. तो B से आपको एक altitude लेना है which is E, BE. Altitude मतलब कि ये angle 90 degree होगा. Then from C also C to F. C से opposite side को join करना है तभी वो altitude होगा और ये वाला angle भी उसका 90 degree होगा. अभी आपको ये भी दिया है कि ऑलरेडी BE CF के इक्वल है. नाउ हाउ वी कैन प्रूव बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, लेट अस सी हियर. स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. टू ट्रायंगल्स वी कैन कंसीडर. इन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल BFC, इन ट्रायंगल BFC and triangle BFC BEC. Let me highlight this so that it will be easy for you to understand कि आप कौन से triangles ले रहे हो. So what the two triangles are here, ये वाला एक triangle ले रहे हैं BFC and one more this side वाले triangle. ये वाले दो triangles आप consider कर रहे हो. Now which is the common side? कॉमन साइड यू आर हैविंग एज BC. तो BC दोनों ट्रायंगल्स में है, वो एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो. देन द एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90, तो वो एक आप यूज़ कर सकते हो. देन 90 डिग्रीज हाइपोटेनस इज ऑल्सो इक्वल एंड दिस CF इज इक्वल्स टू BE, दिस इज ऑल्सो गिवन. सो बाई RHS रूल वी कैन से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो लेट अस सी हियर नाउ. CFB, angle CFB is equals to the angle BEC. Why they are equal? Because they are the altitudes. It is given in the question. That's why we are saying that they are nothing but the equals. Altitude matlab angle 90 degree hoga. At the place of equal altitude, you can write directly given also. Then BC is equals to BC, common side. BC is equals to BC, common साइड. अभी आप देखोगे राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के अपोजिट वाला हाइपोटेनस भी हो गया, इक्वल है. अभी CFBE के इक्वल है. व्हाई इट इज इक्वल, अगेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दे आर इक्वल, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दे एज इक्वल. देयरफॉर द ट्रायंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BEC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. अभी हमने क्या प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल्स RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल है. अभी ट्रायंगल्स इक्वल है मतलब उसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हैं यहाँ पे, BF एंड CE. सो व्हाट वी कैन राइट, BF इज इक्वल्स टू CE एज द CPCT. अभी हमें प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल है. तो उसका थोड़ा सा पार्ट हमने प्रूव कर लिया कि वो दोनों पार्ट्स इक्वल है. फर्दर विच ट्रायंगल्स वी कैन कंसीडर नाउ. अभी दो ट्रायंगल्स आपको कंसीडर करने हैं. नेम दिस एज योर इक्वेशन 1. इन ट्रायंगल, अभी आपको ये ऊपर वाला पार्ट प्रूव करना है कि वो इक्वल है. सो व्हाट वी कैन राइट, ACF इन ट्रायंगल ACF एंड ट्रायंगल दिस साइड AEB.
सो विच टू ट्राइंगल्स वी आर सेइंग, लेट मी ड्रॉ द फिगर एंड शो यू वंस अगेन. अभी आपका जो फिगर है ए बी सी ट्राइंगल है, बी से ई आपका एक आल्टीट्यूड है और सी से एफ तक एक आल्टीट्यूड है. आपको फिगर को अंडरस्टैंड करना है ताकि आपको सोल्यूशन समझने में आसानी हो. ए सी एफ, ए सी एफ इज नथिंग बट दिस ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ए सी एफ और ए ई बी दिस साइड ट्राइंगल. नाउ इफ विल सी दिस टू पार्ट्स अगेन, वॉट टू एंगल्स आर इक्वल? फर्स्ट कॉमन एंगल यू आर हैविंग एंगल ए, एंगल ए इज कॉमन इन बोथ. देन दिस इज वन मोर एंगल विच इज इक्वल. देन यू आर हैविंग द कॉमन, दिस सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई एज इट इज गिवन. तो इट विल फॉर्म द ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो वॉट वी कैन राइट हियर, फर्स्ट थिंग एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए एज द कॉमन एंगल, क्योंकि वो दोनों में भी है. अभी नेक्स्ट ए एफ सी इज इक्वल्स टू ए ई बी. वाई? अगेन इट इज़ नथिंग बट आल्टीट्यूड, वो आल्टीट्यूड है इसीलिए उसके एंगल्स 90 डिग्री एंड 90 डिग्री होंगे. देन सी एफ इज इक्वल्स टू बी ई, दैट इज ऑल्सो गिवन. सो दो एंगल और आपका एक साइड यूज़ कर रहे हो आप, तो विच कॉन्ग्रुएंसी रूल इट इज? देयर फोर ट्राइंगल ए सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए ई बी बाय एस, सॉरी एंगल एंगल एंड साइड, ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल. नाउ अगेन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स इट्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल. वी कैन से दिस करेस्पॉन्डिंग पार्ट इज ए एफ, ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई, ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई विच इज नथिंग बट द सी पी सी टी ऑफ दिस ट्राइंगल्स वॉट वी हैव प्रूव्ड हियर इन दिस सेकेंड ट्राइंगल्स. Name this as your equation 2. Now we have to do the addition for the both equations. What we are doing? Add equation 1 and 2. So equation 1 is BF. So LHS in LHS we are adding and RHS in RHS. So BF plus AF will be equals to CE plus AE. इफ़ विल एड बी एफ प्लस ए एफ, ये दोनों साइड जब आप ऐड कर रहे हो इट्स नथिंग बट ए बी. अभी आप ये वाले दो साइड जब ऐड कर रहे हो इट्स नथिंग बट ए सी. जब आपके दो साइड्स इक्वल हैं, वेन यू आर गेटिंग द टू साइड्स एज इक्वल इट्स नथिंग बट द ट्राइंगल. सो वॉट वी कैन राइट? देयर फोर द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. Why it will be isosceles triangle? Because the two sides are getting as equal. Why we have done this all? Because it is given in the question to use RHS congruence rule. अगर आपको RHS congruence rule mention नहीं करता वहाँ पर तो directly आप ये वाला step कर सकते ए सी एफ एंड ए ई बी. तो अगर आप ए सी एफ और ए ई बी लोगे तो direct ए बी ए सी के इक्वल होगा सी पी सी टी से. बट इन द क्वेश्चन इट इज मैंशन टू यूज़ RHS rule. That's why we are doing with these methods. Hope you have understood this. If you are having any doubt, you can ask in the comment section. Thank you.